सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस अभी हम लोग अशोका होटल जा रहे हैं, मैं एंड पप्पू मामा एंड आशीष भैया। तो अभी एक सरप्राइज है, हम बहुत एक ऑसम जगह जा रहे हैं जहाँ पे मतलब जाना बहुत। हम तीनों की जीन्स एक कलर की है, शर्ट बस अलग अलग और मैचिंग की है। जीन्स एक कलर है? हाँ। ब्लैक? ब्लैक नहीं है मेरी, ब्लैक है भैया। भाई कार्बन ब्लू सी है तेरी ब्लैक भी। ब्लैक है मेरी बिल्कुल। अरे प्योर ब्लैक है भाई। अरे बस भाई, जब बोल दिया प्योर प्योर ब्लैक है तो ये भी ब्लैक नहीं है यार। मेरी जीन्स मेरे को नहीं पता क्या किस कलर की है, मुझे दिख रही है मुझे नहीं। तो भाई सरप्राइज है एक अभी जहाँ हम जा रहे हैं। तो चलो अभी तो मतलब हमें अशोका होटल जाना, तो वहाँ जाके मिलते हैं। लाइन होना स्लाइटली थोड़ा सा चेंज हो गया है। चेंज ये हो गया कि अभी हमें जस्ट पीएमओ से फोन आया, तो मतलब समझ गए होंगे हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय। तो अभी पीएम ऑफिस से फोन आया कि अशोका की जगह आप सीधा प्रधानमंत्री संग्रहालय आ जाओ, और फिर वहाँ पे उसके बाद हम जाएंगे वॉर मेमोरियल, और फिर देखते हैं कि आगे का क्या सीन रहेगा। फर्स्ट टाइम जा रहे हैं यार, हमें इनवाइट किया है तो मजा आएगा हमें आज तो, और आप लोगों को भी मजा आना चाहिए। तो गाइज ये देखो भाई, हम आ गए हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय। देखो भाई प्रधानमंत्री संग्रहालय आ गए। पार्किंग है सामने, पार्किंग में गाड़ी लगाते हैं। तो गाइज अभी हम पार्किंग में खड़े हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय की, और जिसने हमें इनवाइट किया था ना, एक्चुअली हम वहाँ पहुँचने में लेट हो गए अशोका, तो हम डायरेक्ट यहीं आ गए हैं। बट यहाँ आके ना हम जल्दी आ गए और वो लोग अभी हमारे बाद आएंगे। अभी चल रहा है भाई ब्रेकफास्ट, पोहा है। थोड़ा छोड़ देना, थोड़ा खा लूँगा क्योंकि मैं खा के नहीं आया घर से कुछ भी। तो हमने एक चीज़ मिस कर दी, जैसे अशोका होटल जाते तो वहाँ से वो ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करते हैं यहाँ तक आने का, तो उसका भी कुछ अलग एक्सपीरियंस होता, पर वो हमने मिस कर दिया। हम डायरेक्ट अपनी गाड़ी से यहाँ पार्किंग में पहुँच चुके हैं। तो चलो कोई नहीं, आगे का तो हम साथ में उनके कंटिन्यू करेंगे। तो भाई सामने जो ये टूरिस्ट बस देख रहे हो ना, हमें इसमें आना था वैसे तो, बट हम अपनी गाड़ी लेके आ गए। इसके अंदर काफ़ी सारे मिनिस्टर्स वगैरह बैठे हुए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो लिखा था वो मैसेज बताओ। रेजोल्यूशन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? हमारे पहले प्रधानमंत्री। यस यू आर राइट, बहुत से इंडियंस को नहीं पता। पहले प्रधानमंत्री नहीं थे, पहले प्रेसिडेंट थे। ओ सॉरी। देखा ऐसे ही बहुत से इंडियंस को नहीं पता। जवाहरलाल नेहरू इंडिया बिकम से रिपब्लिक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया के बारे में बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा यहाँ पर। गांधी से निकटता से जुड़े श्री नंदलाल बोस हम यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये भाई कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी रखी हुई है। अच्छा हाँ, ओह माय गॉड, ये यहाँ पे फुल टच स्क्रीन है, पूरा संविधान पढ़ सकते हो। मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी की यूज़ हुई है आप इतनी देर। हाँ, प्रधानमंत्री संग्रहालय में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड म्यूजियम्स। ऐसा नहीं लग रहा मतलब बहुत पुरानी चीजों को ऐसे एक्सप्लोर कर रहे हैं बहुत। तो संग्रहालय म्यूजियम है, म्यूजियम है ना, संग्रहालय प्रधानमंत्री संग्रहालय। कहाँ गए वो लोग? सब लोग तो बिखर ही गए, ऊपर गए ऊपर बस लोग। तो भाई ये है श्री जवाहरलाल नेहरू का रूम जहाँ पे उनकी मृत्यु हुई थी, इस कमरे में उनका देहांत हुआ। तुझे देखना सिंगल बेड पे सोते थे वो। हाँ तो यार सिंगल बेडरूम, प्रेसिडेंट थे हमारे, प्रधानमंत्री थे भैया, प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री बोला, राजेंद्र प्रसाद थे वो। अच्छा वो राष्ट्रपति थे, सॉरी माय मिस्टेक, राष्ट्रपति वो राष्ट्रपति थे। ये प्रधानमंत्री का कमरा है, ये उनकी बीवी होगी एस्ट्रे है क्या? बोरी ना एस्ट्रे, हां बोरी एस्ट्रे उनकी बीवी रखे देख, उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो यू के हुआ। हां मतलब यू का ही, उन्होंने यू का ही छोड़ा हुआ है। हां भाई जवाहरलाल नेहरू जी का कमरा। Yeah.
अच्छा सर्दियों के लिए यहाँ पे फर्नेस भी दी थी। हाँ ये अंग्रेजों ने बनाया था होगा ना। हाँ तो उसके अकॉर्डिंग फर्नेस बनाते हैं वो हमेशा। तो भाई ये देखो ये है डिजिटल बुक जिसका ऊपर से प्रोजेक्टर है, ऊपर से पन्ने पलटोगे तो डिजिटल में आपको किताब ऐसे लग रहा है हैरी पॉटर टाइप। अभी प्रोजेक्टर आएगा हैरी पॉटर टाइप का प्रोजेक्टर, बिल्कुल ऐसे लग रहा है वहाँ आगे हॉगवर्ट्स, हॉगवर्ट्स था नाम उसका, हैरी पॉटर हॉगवर्ट्स, हॉगवर्ट्स मतलब बहुत बहुत टेक्नोलॉजी वाइज डिजिटल बुक। प्रधानमंत्री संग्रहालय तो थोड़ा सा डिजिटलाइजेशन मांगता भी है, मतलब बहुत अच्छा है यार। यंग जवाहरलाल नेहरू ये पता है ये QR देख राहुल ये दिखा, ये QR कोड स्कैन हो रहे हैं ऊपर से, इससे हो रहे हैं स्कैन तो यहाँ। अच्छा इससे हो रहे हैं स्कैन, इससे हो रहा है प्रोजेक्टर ऊपर चल रहा है। श्री मोतीलाल नेहरू विद स्वरूप रानी नेहरू विद यंग जवाहरलाल इन 1890s स्टार्टिंग से ये इन्फ्लुएंसियल फैमिली से थे। तो भाई ये है श्री जवाहरलाल नेहरू की बैठक, जवाहरलाल नेहरू का स्टडी रूम लेट एट नाइट। सही है ये तो, ये तीन तीन फोन होते हैं यार। हाँ तीन तीन फोन, कलम स्याही मतलब उनके पेपर बैठे हाथ जैसा है वो, वैसा वो कांग्रेस टाइप का ही। अच्छा ये मुट्ठी सी बनी हुई ओके जो रखी है पेपर वेट है वैसे लग पे ऐसी रहा वो मुट्ठी पेपर वेट है ना। हाँ नहीं पेपर वेट तो ये भी है ना, ये टिकी ऐसी रखी पर वो भी ऐसा सही है थोड़ा ना। ये कागज पन्ना पलटने के लिए वो छोटा सा रखा ना तो पानी के साथ कैसी थी जवाहरलाल नेहरू की STD। हाँ STD से हाँ STD STD से हुई थी, सेक्सुअल डिजीज से मौत हुई थी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज STD। ओ भाई ये देखो ये है इनकी बैठक और ये हाथी दांत से बनी हुई वो भाई पता नहीं कितने करोड़ों की होगी भैया ये इवोरी आइवरी बोलते ना आइवरी इवोरी आइवरी वो सब भी हाथी दांत का लग रहा है मुझे जो हाथी रखा है। हो सकता है पॉसिबल है ये देखो ना वाइट वाइट ये सब मेरे को लग रहा है जरूरी नहीं है आइवरी के बने हुए राइनोस के दांत के हो सकते हो। राइनो के दांत नहीं राइनो का सींग। हां सींग के भाई देखो ये है जवाहरलाल नेहरू की बैठक मतलब थी वो चेंजिंग रूम होगा। ये देखो भाई वॉर ऑफ 1947 और 8 1947 से 48 पाकिस्तान को धूल चटाई थी जब इंडिया ने पार्टीशन हुआ था उस पार्टीशन के टाइम पे। हाँ और ये भाई स्वतंत्रता की भोर 15 अगस्त 1947 का दिन। तो गाइज आप देख सकते हो फर्स्ट चुनाव जो हुआ था वो हुआ था हमारा 1951 में, इससे पहले जो 1947 में जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था वो बनाया गया था बिना इलेक्शन लड़े, बट इलेक्शन लड़ा गया था पहला इंडिया का 1951 में। तो शाह का नाम बेसिकली बोले तो गिफ्ट हाउस। अच्छा जो गिफ्ट मिलते थे इन्हें देश यात्रा के दौरान वो अच्छा ये बढ़िया पाएगा। एक बात पता है जो भी PMs को जनरली गिफ्ट मिलते हैं वो अपने घर नहीं रख सकते वो एज ए पब्लिक प्रॉपर्टी है वो। हाँ तो ये रहे वो देश की प्रॉपर्टी होती है विष्णु एंड लक्ष्मी फ्रॉम नेपाल डेकोरेटिव सिल्वर सिल्वर गोंग। गोंग क्या होता है अभी तुझे पता है कि हमारे PM ने जय बोडन को एक हीरा दिया डायमंड। हाँ पता है चुनाव के लिए गए थे वो तो इंग्लैंड वाले वाला नहीं कौन सा वाला हीरे की बात कर रहा है। अरे प्रधानमंत्री जी ने जो दिया अच्छा, जो उसको दिया जो अभी दिया है जो भी जो बाइडन को कल तो दिया था गोल्ड प्लेटेड सेलिंग बोट मॉडल ऑफ शिप ओमान ये रशिया का है। ये सब शिप्स क्यों दे रहे हैं कुछ डील हुई होगी ना। अच्छा सबमरीन या शिप्स की या बोट्स की डील हुई होगी ना। अच्छा गिफ्ट रिसीव्ड बाय नरेंद्र मोदी ये भाई नेहरू जी के नहीं है ये मोदी जी के गिफ्ट्स हैं। तो भाई देखो जो हमारे नरेंद्र मोदी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी उनके द्वारा रिसीव किए हुए गिफ्ट मिले ये रवांडा हेड ऑफ रवांडा उन्होंने दिया ये रवांडा से मिला है ये जापान से मिला है ये वियतनाम से मिला है ये रशिया से मिला है ये थाईलैंड से मिले भाई टी सेट ये जापान से मिले हैं ग्लास ये श्रीलंका से मिला है ये रशिया से मिला है ये माल्टा से मिला है रशिया से पुर्तगाल से मेक्सिको से वाओ ये देखो भाई ये बीच में मिला है बहरेन से ये खंजर क्यों दिया भाई मोदी जी को खंजर दे रखा है श्रीलंका वालों ने ठीक है। ये क्या है ये अलादीन का चिराग सा मोदी जी को अलादीन का चिराग किसने दिया भूटान
ये भूटान का कुछ ट्रेडिशनल वो है पानी डालने का। मालदीव्स, रशिया, इंडोनेशिया, ये भी सारे भाई हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गिफ्ट्स हैं। ये वाले ये हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के। अच्छा, इनको इन्होंने कम रखे गए यहाँ पे, इन्होंने अपने घर में रखे हैं तो। क्योंकि मोदी जी ने ज्यादा डील्स करी होंगी ना विदेशों से। अच्छा, जैसे ये अटल बिहारी वाजपेयी, ये किसका है, क्या ये आईसीसी तो आईसीसी का यूएई ने दिया, आईसीसी की कुछ हुआ है। प्रेसिडेंट टू डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के गिफ्ट है भाई। किसने दिया था, मोमेंटो द स्टोन ऑफ होप यूएसए, ये कैसा गिफ्ट है, पत्थर वहाँ बोलते होंगे ना उसको, प्रतीक होगा कुछ है ना, किसी चीज का प्रतीक होगा ये, बस एक लकड़ी पे पत्थर रख के दे दिया। गिफ्ट देते हैं ये, देखिए सूप का बाउल, सूप पीने का बाउल। तो भाई ये है इंदिरा गांधी का बेडरूम। अच्छा, ये इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू एक ही घर में रहते थे क्या? ये भाई इंदिरा गांधी का बेडरूम, ये भी सिंगल बेडरूम पे सोती थी। सिंगल पे सोते थे पहले, इसका पति कहाँ सोता होगा, सोफे पे, जमीन पे। हर स्त्री यही करती है अपने पति के साथ। ये भाई सिगरेट बॉक्स भी गिफ्ट करते थे उस टाइम। उस टाइम पता आपको सिगरेट बहुत ट्रेंड में थी और सिगरेट को ना बुरा नहीं माना जाता था उस टाइम। ये बाद में जब रिसर्च हुई कैंसर होता है ये होता है, तब इसको बुरा मानना स्टार्ट कर दिया। स्टाइल के रूप में पीते, जैसे आज के लोग सेंटर फ्रेश खाते हैं। ये भाई गोल्ड प्लेटेड इंग्लैंड से आया था, ये गोल्ड भी इंडिया का ही होगा पक्का जो चुरा के ले गए थे। ये हाथी दांत से बने हुए। तो भाई ये देखो, ये है प्रधानमंत्री संग्रहालय की नई बिल्डिंग सामने। सीढ़ी पे चले वहां से, प्रॉपर कहां से दिख रहा है भैया, एप्पल में 0.5 होता है। सब आ रहा है ये लो। सो गाइस, आपको दिखाता हूँ इंडिया का सबसे जो हाईएस्ट अवार्ड है, सबसे बड़ा अवार्ड, भारत रत्न कैसा दिखता है। ये देखो ऐसा दिखता है भारत रत्न। लो भैया बच्चे आ गए फोटो खिंचवाने के लिए, अब तो व्लॉग में आ गए तुम सब। यहाँ से सबका स्क्रीनशॉट आ जाएगा। ये नई बिल्डिंग बनी है ना, ये वाली नहीं है ना, बनाया पहले गार्डन था। हाँ, ये पुराना पीएम ऑफिस था ये पूरा। अच्छा, ये पीएम ऑफिस था नेहरू के टाइम का, जिसको म्यूजियम बना दिया अभी। अच्छा, और ये अभी नया म्यूजियम बना है, ये नई बिल्डिंग है, सारे नए पीएम्स का है। हाँ, मे बी क्योंकि उसमें रहते थे ना वो। हाँ, वो पहले से ही बना रखा था तो उसको छेड़ा नहीं होगा कि भाई जो चीज पहले से बनी है उसको छेड़ेगा। भाई बहुत ज्यादा गर्मी है यहाँ पे। ये देखो, ये है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने इसका ओपनिंग करी थी, प्रधानमंत्री संग्रहालय नई बिल्डिंग। तो अभी हम इसी के अंदर जा रहे हैं, यहाँ से एंट्री है। आय हाय, इसके अंदर तो कैफे भी है। कैफे फ्रंट में, कैफे आगे है भाई, कैफे सामने है। यार अपने बच्चों को लेके आया करेंगे, पर दिल्ली में इतनी चीजें घूमने की है। दिल्ली में बहुत कुछ है, अंकल अपने बच्चे लाया करो। ओए होए, ये है नई बिल्डिंग। ये देखो हवा में है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड गाइस। इंडिया को कहता है पीछे टेक्नोलॉजी गाइस। अशोक स्तंभ हवा में है, इसी के ऊपर विवाद हुआ था आपको पता है, शेर का मुंह क्यों खोल दिया। अच्छा, ये वाला नया वाला नहीं है, पुराना। ये नया वाला एम्बल है। नया? हाँ, पुराने में शेर का मुंह बंद था, ये नया एम्बल है जिसमें शेर को खुला दिखाया कि इंडिया इज अग्रेसिव ना हो। हाँ तो ठीक है ना भाई, ठीक है होना भी चाहिए यार, कब तक टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस जरूरी है गाइस। सीरीज से भाई प्रधानमंत्री लोग 64 1800 भाई कितने 18 साल प्रधानमंत्री, 17 साल, ये 2 साल के लिए गुलजार नंदा, गुलजारी लाल नंदा 2 साल के लिए बना दी, लाल बहादुर शास्त्री ये 2 साल के लिए बने थे बस। हाँ, हत्या कर दी गई थी, हत्या करी थी, मर्डर करा गया था इनका। ये बहुत कोई जांच भी नहीं हुई ठीक से, ये कोई जांच भी नहीं हुई, ये बहुत वो थे भैया, मतलब पब्लिक फेवरेट थे ये प्रधानमंत्री। और ये हैं गाइस अभी के पर्सनल फेवरेट प्रधानमंत्री, जो कि 2014 से इंडिया को सर्व कर रहे हैं। सो गाइस, दिस इज माय मोस्ट फेवरेट प्राइम मिनिस्टर एवर, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। गाइस गेस करो ये कौन है, ए ए ए ये पप्पू मामा नहीं, आपके पीछे देखो ये तस्वीर, लाल बहादुर शास्त्री जी। स्टॉप, आगे चले गए आप, लक्ष्मण रेखा से आगे गए भैया। नरेंद्र मोदी जी के साथ वॉक, तो करवा लीजिएगा वीडियो।
ठीक है जी। पप्पू मामा ने चूज किया वो करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी को। पप्पू मामा जी चरण स्पर्श, लौट जाओ लंबे नतमस्तक देखना कार्टून आदमी लग रहे हो बिल्कुल ग्रीन स्क्रीन पे मार्बल्स का कमरा है ये, मार्बल्स का कमरा। भाई मुझे कहाँ लगा दिया, जॉइन योर हैंड्स फॉर यूनाइटेड इंडिया। चलो भैया। अच्छा ये चेन कंटिन्यूस चलती रहती है? अरे मैं आ गया तेरे साथ, आ गया। ये देखो भाई, हाथ मेरा कोई तो हाथ पकड़े हट गया तेरा हाथ से। नहीं किसी ने, ओ भैया ये क्या बेवफाई कर दी शादीशुदा आदमी ने। मेरी बीवी को मत दिखा देना भाई, अब तो दिख गया, अब तो रिकॉर्ड हो गया, कैप्चर हो गया। ले LGBTQ एकदम से जज्बात बदल दिए। तो भाई देख रहे हो पप्पू मामा डेवलपिंग, ये ऐसे ही इस पे चलता रहेगा। यहाँ पे भाई आप मैसेज लिख सकते हो अपना, क्या लिखोगे आप? नाम, फोटो। मैं तो लिखूंगा सच्चा प्यार यार भैया, देश के लिए सच्चा प्यार लिखो। हाँ, लड़की के लिए मत लिखो। लड़की के लिए कब बोला मैंने? फिर ठीक है, मुझे लगा लड़कियों के लिए बोल रहे हो। तो भाई मेरा मैसेज देखना अभी आप स्क्रीन पे आएगा। ये अपना मैसेज आ गया स्क्रीन पे, कहाँ है? सबमिट। अब आएगा ना, ये रहा भाई मेरा मैसेज, ये देखो, जय श्री राम। सो गाइस फाइनली अब वो समय आ गया जब हमने अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ फ़ोटो खिंचवाई। कैसे हमने फ़ोटो खिंचवाई, कैसे मुलाकात हुई, ये सब जानने के लिए आपको कल तक का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब मैं आपको कल के व्लॉग में बताऊंगा, क्योंकि इस व्लॉग को मैं अभी यहीं पे एंड करने जा रहा हूं। तो मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ, जिसमें मैं बताऊंगा कैसे मैंने नरेंद्र मोदी जी के साथ फ़ोटो खिंचवाई। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना। कमेंट में जय हिंद जय भारत लिख देना। चलो गाइस, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।